टिक्स का ये जो इन्फेक्शन है वायरस है इसकी वजह से आपके डॉग का जो ब्लड है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा टिक फीवर का जो साइन है जब एक्सेस में हो जाएंगे तो डॉग की पिछली टांगे चलना बंद हो जाती हैं वो खड़ा नहीं हो पाता वो चल नहीं पाता और बहुत बड़ी हमें लगता है कि उसको शायद हैंड लेग्स की प्रॉब्लम हो गई है उसको शायद पैरलाइज हो गया है या उसको हिप डिस्प्लेसिया हो गया ऐसा नहीं है आई हैव सीन सेवरल केसेस जहाँ पे टिक फ़ीवर की वजह से हैंड लेग्स जो है वो काम करना बंद कर देती हैं एंटीबायोटिक जो चलेगा ड्रिप के अलावा उसके अलावा एंटीबायोटिक कैप्सूल चलते हैं डॉक्सी चलता है इसमें डॉक्सी साइकिलिंग चलता है वो बॉडी वेट के हिसाब से अगेन आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे मैं सिर्फ आपको सॉल्ट बता रहा हूँ वो तकरीबन आपको 20 दिन कंटिन्यू देना पड़ेगा तो अगर आपके डॉग को टिक फीवर हुआ है उसको आप बचाना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को सारे सिम्टम भी बताने पड़ेंगे खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने डॉग को और सबसे इंपॉर्टेंट अपने डॉग को टिक से फ्री रखिए अगर उसको टिक्स होंगे तो आपके डॉग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बींग अ पेरेंट हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें